तो भाई जिस खेत की सफाई की थी हमने, घास को इकट्ठा किया है, सूख चुका है और हमने आज आग लगा दी है ताकि अच्छी तरह से जो साफ सफाई हो जाए। तो जिस खेत में हमने जुताई की थी खेत की, अब वहां पर हम हरे चारे की बुआई करेंगे। तो बीज हमने भिगो लिया था पहले ही, तो अभी ट्रैक्टर वाला आएगा, उसके आने से पहले हम इस बीज को खेत में दे देंगे। तो भाई खेत की जुताई हो चुकी है, अब तो अब बारी है खेत में वट पाने की। वट इसलिए पाते हैं क्योंकि भाई खेत को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं वट से, और पानी लगाना, जो खेत को पानी लगाने में आसानी होती है। तो ये खुला खेत है, ऐसे ही पानी देंगे तो भाई लाइट भी बंद हो सकती है, तो पानी अच्छी तरह से पानी जो है हर जगह पहुंचेगा नहीं, तो इसीलिए वट पाना ज़रूरी है। और हमारे साथ हमारी हेल्प कराएगा अमितोज, और इन खेत को हम दो हिस्सों में बांट लेंगे और सेंटर में एक वट डाल देंगे। तो यहाँ से वट शुरू की थी, यहाँ से शुरू होकर यहाँ से हमने मोड़ दिया है और लंबी की लंबी वहाँ तक हमने वट डाल दी है, पानी लगाने में आसानी हो जाए। जहाँ से पानी आएगा और पहले इस हिस्से में जाएगा और उसके बाद हम इस दूसरे हिस्से में लगा देंगे। तो भाई ये तो काम हो गया हमारा खेत का आज का, और हमारी हेल्प कराई है सबसे ज़्यादा अमितोज ने,